तुम अब भी मुझसे? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सर। और कितना वक्त चाहिए तुषार? अब तो हमारी शादी भी हो गई है। नहीं, अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। बिल्कुल नहीं। ये मुझे क्या हो गया? मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? तुषार अगर चारों के साथ है तो मुझे खुश होना चाहिए। फिर मैं ऐसा क्यों? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगी। मैं तुषार के बारे में नहीं सोचूंगी। नहीं सोचूंगी मैं उसके बारे में। चारों को जिसका इंतजार था वो उसे मिल गया। मेरा इंतजार कब खत्म होगा? तुम कब मिलोगे मुझे? सुजा कब? लौटा सुजा, लौटा। हेलो हेलो कशिश जी। जी बोल रही हूँ, आप कौन? जी मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, डॉक्टर अर्चिता का। अर्चिता? क्या हुआ अर्चिता को? उनका एक्सीडेंट हो गया है। अर्चिता का एक्सीडेंट? कैसी है वो? शी इज बैडली इंजर्ड, प्लीज आप जल्दी यहाँ आ जाइए। मैं बाहर, तुम लोगों का ख्याल रखना, ठीक है? ओके मैम। ये किसका घर है तुषार? ये मेरा घर है, आई मीन हमारा, रेंट पर लिया है। छोटा है मगर। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुम तो अर्चिता के घर में। मैं तुम्हारे साथ किसी और के घर में नहीं रहना चाहता था, इसलिए ये घर। जिन सुख सुविधाओं की तुम्हें आदत है वो तो तुम्हें यहाँ नहीं मिल पाएंगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि। तुषार मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तुम साथ हो तो छोटा सा घर भी मुझे बहुत बड़ी खुशी देगा। कहते हैं कि घर जितना छोटा हो उसमें रहने वाले उतने ही करीब होते हैं, क्योंकि उनमें दूर जाने की जरा भी गुंजाइश नहीं रहती। तुषार हमारे पास भी कोई बहुत बड़ा घर नहीं है, पापा अकेले और हम पांच बहनें, लेकिन उस घर में बिताए वो दिन, वो पल मैं कभी नहीं भूलूंगी।
हेलो व्हाट? तुम घबराना मत कशिश, मैं भी आता। तुषार, तुषार! आखिर मैं करूंगी तो क्या करूं? अगर उसने किसी को बता दिया कि मैंने स्वयं बेटा अर्चिता के बारे में पता चला ना तुझे? नहीं मम, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। पता नहीं वो कहाँ? वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल? हाँ बेटा, शैला का फोन आया था, उसी ने मुझे बताया। मतलब अभी हो सकता है? क्या बात है सर, क्या सोच रहे तुम? कुछ नहीं मॉम, लेकिन वो हॉस्पिटल क्यों है? Is she all right? मुझे पता नहीं, मुझे शैला ने सिर्फ ये बताया कि उसे हॉस्पिटलाइज किया गया है। तू एक फोन क्यों दिखा लेता? I'll do it, मॉम। Thank God वो बच गई, वरना मेरे सर पर एक और खून का इल्जाम लगता। लेकिन अगर उसने सबको सच्चाई बता दी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हरगिज नहीं। डॉक्टर अर्चिता कौन से रूम में? या शी इज इन रूम नंबर 12। ये सब कैसे हुआ आंटी? पता नहीं तुषार, कुछ लोग उसे उठा के हॉस्पिटल में ले आए। पर अर्चिता ठीक तो है ना? डॉक्टर कह रहे हैं कि जब तक अर्चिता को होश नहीं आता कुछ नहीं कहा जा सकता। अर्चिता का खून बहुत बह चुका है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गई क्यों थी ब्रिज पर। आंटी घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्चिता का कुछ नहीं हो सकता, प्लीज आंटी। ब्रिज पर तो अर्चिता ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, पर वो तो वहां नहीं था। तो क्या किसी ने उसे मुझसे मिलने से रोकने के लिए? पर ऐसा कौन करेगा? वो मुझे सुजल के बारे में कुछ बताने वाली थी। सुजल के बारे में मेरे कुछ जानने से किसी को क्या फर्क? स्वयं, स्वयं तुम्हें पता है अर्चिता कहाँ है? मुझे क्यों पता? एक्चुअली अर्चिता कहीं नजर नहीं आई, मुझे लगा शायद तुम्हें पता। क्या कहा तुम कहना क्या चाहते हो तुषार? तुम्हें क्या लगता है अर्चिता को मैंने छुपाया? How dare you think like that? और ये पूछकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? स्वयं उसे फर्क पड़ता है, अगर मैं सुजल के बारे में जान जाऊं तो क्या स्वयं ने अर्चिता के साथ? पर वो तो शादी में था, फिर वो कैसे? जो भी हो, मुझे सच्चाई पता लगाना है। सब ठीक हो जाएगा आंटी। तुषार। हाँ तुषार, तुम घर जाओ, चारों को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। नहीं कशिश, यहाँ पर अर्चिता की तबीयत। तुषार मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे कह दूंगी, और वैसे भी आंटी भी है मेरे साथ। तुम घर जाओ तुषार। पर कशिश। कशिश ठीक कह रही है तुषार, इस वक्त चारों को तुम्हारे साथ की ज्यादा जरूरत है।
तुषार, अब तो हमारी शादी भी हो गई है, फिर तुम इतने गुमसुम क्यों हो? तुषार, तुषार, तुम ऐसे नहीं चारू, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नो, तुम कहना क्या चाहते हो तुषार? तुम खुद को मुझसे दूर क्यों? हमारी शादी हो चुकी है तुषार। बेशक हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन हमारे बीच ये फासला रहेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में सिर्फ तुम्हारा एक तरफा प्यार शामिल है, और मेरे लिए रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी है, इस बच्चे के लिए। और मेरे लिए? क्या मुझे खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है चारू, और इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ हूं। मगर जिस रिश्ते की तुम बात कर रही हो, अच्छा होगा चारू कि हम इस बच्चे का ख्याल रखें, क्योंकि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कहां जा रहे हो तुषार? एक काम अधूरा रह गया है, उसे ही पूरा करने जा रहा हूं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुषार कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं? मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। इस अर्चिता को मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, क्योंकि अगर वो ठीक हो गई तो वो मेरी पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। आई हैव टू डू समथिंग। एनी न्यूज ऑन अर्चिता मॉम? कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, अभी तक बेहोश है। होश में आएगी तभी पता चलेगा। सर, तुम इतने परेशान क्यों? नहीं मॉम, मैं तो शैला आंटी के बारे में सोच रहा हूँ। हाउ शी मैनेज? बेचारी, बहुत मुश्किल है उसके लिए, है भी तो अकेली। बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ, थोड़ा मॉरल सपोर्ट मिल जाएगा उसे। यस मॉम, ये ठीक है। लगता है भगवान भी मेरे साथ। अर्चिता को होश ना आए यही अच्छा है। अरे भाई तुषार, तुम इस वक्त यहाँ पे, तुम्हें तो इस वक्त चारू के पास होना चाहिए ना। अरे भाई, आज तुम्हारी स्वागरात है। आई होप एवरीथिंग इज ओके विद यू। मैं तो भूल ही गया कि तुम स्वागरात पहले ही मना चुके हो। लेकिन फिर भी तुषार, ऑफिशियली तो आज ही है ना। सुजाता है सर। कम ऑन तुषार। अरे भाई, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई। जाओ जाके चारू के साथ खुशियां एंजॉय करो। क्यों सुजल के बारे में इतनी टेंशन लेते हो? अरे उसकी टेंशन लेने के लिए कशिश है ना, जो उसकी याद में हमेशा आंसू बहाती है। कम ऑन यार, फिक्र छोड़ो उस चीज की, जाओ जाके चारू के साथ एंजॉय करो। आइंदा कशिश के बारे में कुछ
अब बताओ कहाँ है सुशल? तुम ये मत समझना कि तुम अपनी बात के पीछे हट सकते हो। मैं ये सारी तोड़ दूंगा और कोई नहीं जो मुझे रोक सके। सूजा दिल्ली में वहां क्या करना कहो तुषार। मैं उसे यहाँ शिमला में तो रख नहीं सकता था क्योंकि अगर वो तुम्हें यही मिल जाता तो ये सिर्फ एक दिन की बात था। मैं वादा करता हूँ कि इस सूजल को कशिश के पास ला दूंगा। मैंने तुम्हें एक दिन का वक्त दिया। कल शाम तक सूजल कशिश के पास नहीं कल पक्का सुजल कशिश के पास पहुंच जाएगा। ये मेरा वादा है। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।